परिवारों के बीच और आपसी मामला था जो सुलझ गया है और बहुत अच्छा मैसेज गया है जनता में। विधायक जी समर्थित लोग हैं तो मान लीजिए इसको जोड़ के देखा जाता है कि विधायक जी से क्यों उनका समर्थन प्राप्त है। दो पुराने दुश्मन अभी मित्र हो गए, तो निश्चित रूप से सब कुछ ठीक हो गया है और दुश्मनी तो कोई थी नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों परिवारों के बीच और आपसी मामला था जो सुलझ गया है और बहुत अच्छा मैसेज गया है जनता में इसका कि आपस में दोनों परिवार एक होकर आगे बढ़ें। क्या लगता है इस बार मोकामा में राजद से उम्मीदवारी के लिए अनंत सिंह खड़ा हो रहा है, क्या लगता है कि पहले से स्थिति बेहतर रहेगी? निश्चित रूप से बेहतर रहेगी। पिछली बार उन्होंने निर्दलीय लड़ने का काम किया था और 18,000 वोट से जीते थे और इस बार आरजेडी के टिकट से हैं तो आरजेडी वोटरों का भी रुझान हमारे तरफ है, आरजेडी का टिकट है और इस बार तेजस्वी यादव का लहर भी है तो निश्चित रूप से मोकामा से ही ये शुरुआत होगी, मोकामा से ही परिवर्तन की नींव रखी जाएगी। और जिस तरह से पूर्व में भी 5 में अनंत बाबू जदयू के टिकट से जीते तो नीतीश कुमार सीएम बने, इस बार आरजेडी के टिकट से जीतेंगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। बाद में क्या प्रभाव इसका पड़ सकता है? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पूर्व से भी इनका यही रहा है, अपना बाढ़ विधानसभा ही इनका घर है, लोग हैं, समर्थक हैं तो वो जानेंगे ना, जब ये आरजेडी से जाएंगे तो इनके समर्थक लोग आरजेडी के साथ जाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें कहने की कहीं बात ही नहीं है। क्या बाद में मीडिया पर बोल रहे हैं कि दुलारचंद यादव जी की वो किसी हालत में वहाँ से नहीं जीतेंगे? दुलारचंद यादव जी जैसे लोगों पर तो कमेंट्स नहीं बनता है लेकिन जब आप पूछ ही रहे हैं तो बोल देते हैं, उनको तो अपना समाज में ही बहिष्कृत लोग हैं वो लोग और जो समाज है उनका यादव समाज बुद्धिमान समाज है और वो अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। दुलारचंद जी जैसे लोगों पे के बातों पे वो सुनना भी नहीं पसंद करता है तो उनके बातों पे क्या प्रतिक्रिया था? आपके समाज के लोग राजद को वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे, निश्चित रूप से देंगे। जदयू जो नीतीश जी हैं 2015 में इसी इन्हीं लालू जी के साथ चुनाव लड़ने का काम किया था, उस वक्त लालू जी अच्छे थे, आज तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं, सभी को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं हमारा समाज साथ देगा, निश्चित रूप से साथ देगा। आपकी माँ अभी नगर परिषद में पार्षद हैं, इस बार जो चुनाव हुआ चेयरमैन का तो उसमें काफ़ी राजनीतिक हलचलें रही, क्या लगता है कि इसमें किन की भूमिका अहम रही? ये तो नगर परिषद का अपना, हम लोग मेंबर जो भी सब लोग थे सब लोग मिल के चुने हैं, अपना राजीव कुमार चुनाव का अध्यक्ष बनाया गया और हम लोग विधायक जी समर्थित लोग हैं तो मान लीजिए इसको जोड़ के देखा जाता है कि विधायक जी से क्यों उनका समर्थन प्राप्त था। बाद में कई निर्दलीय उम्मीदवार कर उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार निर्दलीय का सिक्का चल सकता है बाद में? जब से हम लोगों को याद है विगत 20 वर्षों से तो कोई ऐसा निर्दलीय उम्मीदवार आया नहीं जो कि चुनाव जीत जाए, लड़ने का क्या है, तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कोई भी लड़ सकता है चुनाव, लेकिन केवल लड़ लेने से नहीं होगा, चुनाव जीतना बहुत कठिन होगा निर्दलीयों के लिए। जी सर, धन्यवाद।